साढ़े नाल है ब्यूटी एक्सपर्ट इंदिरा आलूवालिया जी। इंदिरा जी, हर लड़की वास्ते शादी वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होंदा है, उहदा ख्वाब होंदा मैं बड़ी सोहनी लगा। जिन्हों की शादी गर्मियों के विच हुंदी है उन्हां लड़कियों का ब्राइडल मेकअप किस तरह का होना चाहिए? हाँ, जिन्हों की शादी गर्मी हुंदी है बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा। पहले तो उन्होंने खुद ध्यान रखना चाहिए कि कहड़े कलर्स पाने चाहिए है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स गर्मियों में नहीं अच्छे चलते। और बाकी मेकअप के विच तुहानू सारा मेकअप वाटरप्रूफ यूज़ करना पैंदा है। एक गर्मी हुंदी है, एक उपर लाइट्स पैंदियां ने वीडियो वगैरह जी, ते उहदे नाल तुहाडी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इस करके टोटल असी मेकअप जिहड़ा उहनू वाटरप्रूफ रखते हैं जी। तो वाटरप्रूफ रखने वास्ते असी पहले उहनू स्किन नू एस्ट्रिंजेंट नाल साफ करांगे। एस्ट्रिंजेंट दे नाल साफ करन तो बाद असी उहनू पैन स्टिक जिहड़ी वाटरप्रूफ है उह लगा के ते उहदे उत्ते ट्रांसलूसेंट पाउडर लगावांगे। ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाउण तो बाद असी उन्हों स्प्रे दे नाल काफ़ी ठंडा पानी उहदे उत्ते पावांगे। और उस तो बाद कोई मसलिन क्लॉथ लैके या तुसी अच्छी किस्म का स्पॉन्ज लैके उन्हों जिवें पॉलिशिंग करी दी है, तुसी छोटे छोटे स्ट्रोक्स लैके असी उन्हों सारा पानी सोक कर लाँगे। तो उस तो बाद असी फिर उन्हों जिहड़ी लास्ट ही फाउंडेशन देंगे वो पैनकेक, उन्हों भी असी वाटर दे विच पा के। और उस तो बाद बड़ा जरूरी है कि ब्राइड नू दसना कि वो अपने नाल अपने पर्स दे विच इधर कोई ट्रांसलूसेंट पाउडर अपना एक कोई नाल रखे या जो कोई स्पंज इस तरह रखे, जो तुसी उन्हें बजाय हाथ दे या हैंकी नाल साफ करन दे जी, हर एक घंटे बाद थोड़ा जहाँ डैप कर डैप लो कर दी तो आप तुहाडा मेकअप बिल्कुल फ्रैश दा फ्रैश लगता है जी। जितों तक आई मेकअप का सवाल है, गॉडी कलर्स ऑफकोर्स नहीं लगाने, और जिन्ना भी मस्कारा एंड आईलाइनर असी लगाने हैं वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। वो थोड़ा पसीना आने नाल फैलना नहीं चाहिए, जो वो फैल जाए तो सारा रंग नीचे थोड़ा काला जहा लगन लग पैंदा है। और जेडे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी मेकअप नहीं होना चाहिए, ऑयली मेकअप भी नहीं करना चाहिए। केक आईलाइनरस एंड जरा थोड़े आई शैडोज़ ने पाउडरी आई शैडोज़ या केक आई शैडोज़ जिहड़े क्रीमी आई शैडोज ने दे आर आउट फॉर द समर्स, ओके उन्होंने नहीं असी लगाते। और कोई भी चीज़ उस तो बाद जिवें ब्लशर लगाना है वो भी असी क्रीमी नहीं लगाना, उन्होंने भी असी पाउडर फॉर्म या केक फॉर्म में असी यूज़ करते हैं। और उस तो बाद जिहड़ी बिंदी है, कई लोग उन्हें पेंट करते हैं हाथ के नाल, बड़ी अच्छी अच्छी बिंदीज बनाते हैं, साइड बिंदीज भी, और वो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई लोग पोस्टर कलर या जड़ियाँ बिंदीज रेडीमेड मिलती हैं वो लगाते, उन्होंने कलर बह जाते हैं पसीने के नाल जी, और थोड़ी देर बाद सारा रेड और वो कलर निकल आता है। तो इस करके फैब्रिक पेंट्स दे आर टोटली सेफ थोड़ी स्किन वास्ते। अच्छा, और वो थोड़ा बिल्कुल भी पानी का वो कोई असर नहीं होंगे और थोड़ी बिंदियाँ उस तरह इंटैक्ट रहा। और अगर इस तरह के हिसाब न मेकअप किया जाए और तुसी सवेर तो लैके शाम तक 8-10 घंटे बिल्कुल थोड़ा मेकअप फ्रैश लगता है। और जो तुम जिमें मैं तुम पहले दसिया रीटच करते जाओ ट्रांसलूसेंट पाउडर के नाल, हल्का जो पफ के नाल उन्होंने थोड़ा थोड़ा डैप करते जाओ तो थोड़ा वो मेकअप कितने नहीं जाता। इंदिरा जी, कईयां दी दिन दी वैडिंग हुंदी है, कईयां दी रात दी, बोथ फॉर डे वैडिंग और फॉर अ नाइट वैडिंग मेकअप एक तरह का होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? देखो, दिन का मेकअप और रात का मेकअप जितों तक फाउंडेशन कंसर्न है वो तो सेम होनी चाहिए वाटरप्रूफ, पर थोड़ा सानू जो दिन वेले असी करने हाथ में थोड़ा टाइट कर लेना चाहिए कि तुसी बाहर जाओ बहुत ज़्यादा केकी और ज़्यादा इस तरह ना लगे मेकअप लगाया हुआ, रात में वो मेकअप छुप जाता लाइट्स के विच। बाकी जड़ा है कलर्स का, जिवें असी थोड़े जे रात में थोड़े ब्राइट कलर्स लै सकते हैं आइज़ के विच, जिवें रैड किसी ने पाया, रैड के नाल वी कैन गिव अ टर्कोइज़ दा असी ब्लेंड कर सकते हैं, वो थोड़ा सारा रैड रैड थोड़ा स्किन नहीं लगेगी और ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा थोड़ा मेकअप। डे टाइम दे इंस्टेड ऑफ जिवें टर्कोइज़ असी ग्रीन सूदिंग कलर्स असी उन्हें मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा जहा जिहड़े कूल कलर्स ने असी मॉर्निंग नू यूज़ कर लेने, वार्म कलर साढ़े रात में भी यूज़ हो सकते हैं। तो लिपस्टिक कहो जी होनी चाहिए है, ग्लॉस आजकल बड़ा लिपस्टिक। हाँ जी, देखो ग्लॉस जड़ा है तुहाडी लिपस्टिक नू वैसे जल्दी उतार देंदा है, पर इनू एक लगाने का बड़ा स्पैशल तरीका है कि तुसी कोई भी नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक नू पहले डार्क कलर की लिप्स से लगा लो, और उस तो बाद अगर तुहानू लाइट कलर भी चाहिए तो जड़ा बेस कलर तुसी फाउंडेशन अपनी स्किन के उत्ते लगाते हो उस दे नाल मर्ज कर लो अपनी जिहड़ी तुसी डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई है, तो उस दे उत्ते जड़ा भी तुसी लाइट शेड देना चाहते हो उन्हों देन तो बाद अगर तुसी ग्लॉस लगाओगे उस दे उत्ते तो वो तुहाडी लिपस्टिक काफ़ी देर चल जाएगी। अगर सिर्फ लिपस्टिक दे उत्ते असी ग्लॉस कर देंगे ग्लॉसी तो साडी लिपस्टिक 1-2 घंटे के बाद थोड़ा ब्लीड करना शुरू हो जाती है तो कलर घट जाता उहदा। कोई खास टिप देना तुसी ब्राइड नू देना चाहो जिन्हां दी शादी गर्मी च हो रही है?
बस मैं उन्होंने यही कहूँगी एक ध्यान रखें बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स ना लैन और जिस तरह मैं एक दसिया अपने पर्स के एक लिपस्टिक एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर हमेशा नाल रखन ताकि उन्होंने टाइम टू टाइम जो अगर डैप करना पे तो उन्होंने फ्रैश कर सकन अपना मेकअप। इंदिरा जी थैंक यू वेरी मच सानू इन्नी कीमती जानकारी देने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इट्स माई प्लेजर।